नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज सिरसा के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पनीवाला मोटा में मॉडल स्किल सेंटर का उद्घाटन किया। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल में निपुण बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह हरियाणा का प्रथम मॉडल स्किल सेंटर है और यह केंद्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त है। इसमें मुख्यतः चार प्रकार के बैच चलाए जाएंगे, जिसमें प्रशिक्षुओं के रहने के लिए तथा खाने पीने की सुविधाओं भी निःशुल्क दी जाएंगी। इस मॉडल में स्किल सेंटर की शुरुआत में चार विभिन्न ट्रेडों में 240 बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में यह एक ऐतिहासिक शुरुआत की गई है, जिसमें हरियाणा के युवाओं को न केवल रोजगार मिल सकेगा बल्कि अपने कौशल के बल पूजते पर देश के किसी भी कोने में आयोजित रोजगार प्रतिस्पर्धा में अपना हुनर दिखा सकेंगे। उन्होंने बताया कि शुरुआत में इस सेंटर में 240 बच्चों को चार विभिन्न ट्रेड में ट्रेनिंग दी जा रही है। आगामी दो वर्षों में प्रदेश के विभिन्न 22 जिलों में इस प्रकार के मॉडल स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य इंजीनियरिंग में गिरते रुझान को देखते हुए प्रदेश में इंजीनियरिंग को स्किल सेंटर में तब्दील किया जाए, ताकि युवाओं को रोजगार में ज़्यादा अवसर मिल सके। दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी बढ़ाने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि यह कांग्रेस सरकार की नीतियां ही थी जो 10 साल में प्रदेश में ऐसे गड्ढे खोद करके चले गई, जिन पर आज युवाओं को इनके झटके महसूस हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का ये प्रयास रहेगा कि युवाओं को सही तरीके से कुशल बनाया जा सके, उद्योगों में अपनी जगह बनाई जा सके और इच्छा से रोजगार प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि इसी वजह से 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बिल लेकर आए हैं। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। और सबसे अच्छी बात है कि जो सबसे बड़ी डिमांड है, प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, जो हर हाउस होल्ड के अंदर डिमांड रहती है, अगर उसका ट्रेन 3 महीने का कोर्स हम देंगे तो अपने आप में हमारी क्वालिटी के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगी। आपने लैब्स देखी हैं, किस प्रकार से बच्चों ने, जो यहाँ 240 बच्चे हैं, उन्हीं में से बेकरी के अंदर केक बनाना, बिस्किट बनाना, ये आम सुविधा की चीज़ें हैं, ये बनाकर देने का काम किया। हम तो आगे इनको प्रमोट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे सेंटर से ही इनको बच्चों को भी प्रमोशन मिलेगी और वो चीज़ें लेकर कहीं ना कहीं अपने इंस्टीट्यूट्स में भी इस्तेमाल करने का काम करें। मगर खुशी है कि चौधरी देवीलाल जी के इस इंस्टीट्यूट को दोबारा रिवाइव करने के लिए हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐतिहासिक कदम। पहले बात है, हमने तो सारा 90 दिन के अंदर, और मैं तो राज नेहरू जी को बधाई दूंगा कि इन्होंने 90 दिन के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्वायर भी किया, लोगों और कंपनियों से टाइप भी किया, बच्चों के इंटरव्यूज भी लिए, 14 लोगों का स्टाफ यहाँ नियुक्त किया कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर को चलाए। और अब मेरा एज इंडस्ट्री मिनिस्टर भी ये प्रयास रहेगा, जितनी हमारे ऑटोमोटिव कंपनीज हैं, जितनी स्किल रिलेटेड कंपनीज हैं, जितने BPOs हैं, हम उनसे भी टाइप करें कि उनको भी यहाँ पर एक एक लैब दें, जिनको वो स्थापित भी करें, 3-3 महीनों का कोर्स कराकर। अगर 2-व्हीलर की बात करूं तो 2-व्हीलर के मैकेनिक को लगभग बराबर ही मोटरसाइकिल के ऊपर कार्य सीखना पड़ता है। अगर वो कार्य हम यहाँ सिखा देंगे तो हमारे यहाँ का ट्रेंड बच्चा हरियाणा के देश की किसी भी एजेंसी के अंदर, किसी भी सर्विस शॉप के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर जाकर मोटरसाइकिल के ऊपर काम कर पाएगा। मेरा प्रयास रहेगा, जैसे होंडा को ITI उचाणा के अंदर हमने स्थापित किया है, वैसे ही चाहे और ऑटोमोटिव कंपनीज हैं, उनसे मैं निवेदन भी करूँगा कि यहाँ पर आकर एक एक लैब वो अपनी सेटअप करे और इसको, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जाया आज इंजीनियरिंग ट्रेड डाउन हुआ है, उसको हम स्किलिंग ट्रेड से अपलिफ्ट करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भी रिवाइव। ये तो हमने 90 दिनों में एक अचीव कर दिखाया है। हमारा तो प्रयास है कि अगले 2 साल के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के साथ जुड़कर हम ऐसे सेंटर, जो भी आज अनयूटिलाइज्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पड़ी हैं, उनको एक्वायर कर उनके अंदर स्थापित करेंगे कि हमारे गांव के बच्चे को
शहरों की तरफ भागना ना पड़े, गांव की पेरिफरी के अंदर ही एक रेडियस के अंदर ही स्थापित करकर हम उनको ट्रेन करकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें। सिरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हमने जमीनें 5 जगह चौकआउट करी है जो सबसे सूटेबल होगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन आकर अपना ट्रीटमेंट करा पाए, उसको हम चिन्हित कर आगे भेजेंगे। मेरे ख्याल से 3 ग्राम पंचायतों के 100-100 एकड़ के प्रस्ताव तक आए हैं, उसके साथ साथ शहर के अंदर भी 80 एकड़ का पैच हमने लोकेट किया है। जो भी उसके अंदर सूटेबल होगा उसको हम चूज करेंगे, जिससे बस स्टैंड की व्यवस्था भी, रेलवे की व्यवस्था भी, हर प्रकार से पेशेंट को दूर ना ट्रैवल करना पड़े, उसको उन तमाम जंक्शनों से हम ईजिली जोड़ पाए। अभी तो हमारा प्रयास है कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हम बनाएं, उसके अंदर भी हमने 3 बिल्डिंग्स को लोकेट किया है हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर, और मैं तो उसको भी उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आपको तोहफे के तौर पर दूँ, जहाँ पर NDA के लिए हम ट्रेनिंग हरियाणा के युवाओं को, सिर्फ सिपाही भर्ती करना हमारा लक्ष्य नहीं है, अफसर भर्ती करने के लिए भी हम ट्रेनिंग देंगे, और ऐसा मॉडल सेंटर हरियाणा प्रदेश में स्थापित। विपक्ष कहता है कि युवा बेरोजगार हो रहा है, वो विपक्ष की नीतियाँ ही थी जो 10 साल में ऐसे ऐसे गड्ढे खोद कर गई जो हमारे युवाओं को आज उसके झटके महसूस हो रहे हैं। मगर हमारा प्रयास है कि हम युवा को प्रॉपर स्किलिंग एंड ट्रेनिंग देकर ही इंडस्ट्री के अंदर भेजे, कि हमारे युवा की हिस्सेदारी जब बने तो उसके अंदर कोई प्रतिबंध ना आए। और 75% वाला जो हमारा बिल है वो तो अब पूरी तौर पर तैयार है इस सेशन के अंदर, क्योंकि LR के AG के कई टेक्निकल चीज़ें थी, क्योंकि उसमें पेनल्टी क्लॉज और अनेक चीज वो भी लगभग तैयार है, और मैं तो उम्मीद करता हूँ जल्द उसको भी हम प्रदेश में लागू करें।